नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। सब तो पहला रुख कर दें हाँ पंजाब वलदा। पंजाब सरकार वलो ऑपरेशन लोटस खिलाफ सद्या गया विशेष इजलास, राजपाल वलो रतकरण मगरों आप वलो जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। पंजाब च आप दे सारे विधायकों वलो इजलास रद्द होने के खिलाफ चंडीगढ़ विखे विधानसभा तो लैके राजभवन तक शांति मार्च कढ़िया गया। इस मौके पर आप आगुआ का कहना है कि जेकर चुनी हुई सरकार इजलास नहीं बुलावेगी तो फिर विरोधी धिर वलों इजलास बुलाया जाएगा। इस मौके पर पंजाब पुलिस वलो विधायकों को रोकने लिए बैरीकेटिंग की गई। आप दी विधायिका बलजिंदर कौर ने विशेष सत्र रद्द होने ते भाजपा दे गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के लोगों की आवाज है, अगर सेशन बुलाया गया था तो पंजाब के लोगों की आवाज को पहल पे रखते हुए पहलकदमी से तो तभी ये सेशन बुलाया था। अब ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी का मर्डर है। जिस तरीके से गवर्नर साहब ने सेशन को दो दिन पहले परमिशन दे के बाद में सेशन को रद्द कर दिया। बिल्कुल जाएंगे शांति मार्च, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि लोगों की आवाज लेके बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे कुछ सोचे कि ऑपरेशन लोटस लगा के पैसों के साथ पंजाब की फीलिंग्स को खरीद लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द आम आदमी सरकार। देखो, जो लोकतांत्रिक तरीके नाल चुनी हुई सरकार है उसको इजलास बुलाने का हक है और उसी तहत ये इजलास अंडर द रूल्स बुलाया गया था। पर बड़ा अफसोस की बात है कि मानजोग गवर्नर साहब ने पहले परमिशन दी और उसके बाद उसकी परमिशन विथड्रॉ। घट्टो घट 22 विधायकों की लोड़ होती है ऑपोजिशन को। संख्या ही नहीं है, 18 है। नहीं, आप अगर बुलाकर कुछ जिस तरह की घटनाक्रम हो रही है उसके बारे में डिस्कस करना और सभी लोगों को बताना, पंजाब के आवाम को बताना, मेरे ख्याल विधानसभा से कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी गलत नहीं था। कहते करोड़ रुपए आज बिना मतलब तो पंजाब का खराब हो जाना सीगा जी। देखो, खराब नहीं आप कह सकते, जेड़ा हुण लोकां वास्ते हुंदा है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हुंदा सारे पंजाब। तुसीं पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, विधानसभा सैशन बुलाउण दे नाल पंजाब दा की भला होना है? आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं कोई खतरा नहीं हैगा, ना कोई किसे ने विपक्ष ने लो कॉन्फिडेंस मोशन बुलाया, ना कोई राजपाल साहब कह रहे हैं, ना कोई एवें दा प्रोविजन है। नहीं, प्रोविजन तां पहलां उन्हां ने परमिशन दित्ती है, पहलां राजपाल साहब ने इसकी परमिशन दित्ती है, बाद च अपने आका तों अपने उपरों जो भी उन्हां नूं संदेश आया उस तों बाद कैंसल किया। अगर पहला अगर बुला ही नहीं सकते तो परमिशन भी क्यों देंगे? पहला मेरे ख्याल परमिशन देना भी गलत। डॉक्टर साहब, पहले लेके भी सवाल हो, विरोधी पार्टियां चुकदियां ने कि आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग दे विच तुसी बैठे हुंदे हो, फिर आम आदमी पार्टी ने लगाया उहदे नाल तां कोई नहीं, मेरे ते कड़ा कोई दोष साबित होया? मैनूं कड़ा कोर्ट ने कन्विक्ट किया? जिन्नी देर कोर्ट कन्विक्ट नहीं करदी कोई भी दोषी नहीं हुंदा, तुहानूं सारिआं नूं पता, पढ़े लिखे हो तुसी, तां हर इक ते किन्नेआं ते कोई किसे भी होवे, भावें पार्टी का होवे भावें सरकार का होवे, लोकां वल्लों मैनूं चुणिआ होया और लोकां दा मैं नुमाइंदा, लोकां दी गल मैं हमेशा रखूंगा। आम आदमी पार्टी च रहोगे तुसी? नहीं, आम आदमी पार्टी च ही हैगे, तभी अज फिर रहे हैं। पंजाब दे राजपाल वलों आम आदमी पार्टी दी स्पेशल विधानसभा दा इजलास बुलाउण दी मंग रद्द होण तो बाद सरकार हुण 27 सितंबर नूं सैशन बुलाउण दा फैसला लिया है। इह दसदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कैबिनेट दी होई मीटिंग विच इह फैसला लिता गया है। उन्होंने कहा कि राजपाल दे फैसले खिलाफ ओह सुप्रीम कोर्ट भी जाणगे। पंजाबियों, अज पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग होई, मंत्रीमंडल दी मीटिंग होई, जिहदे विच सर्वसम्मति नाल ये फैसला किया गया कि 27 सितंबर दिन मंगलवार, 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार नूं विधानसभा का सैशन बुलाया जाऊगा, जिहदे विच स्पीकर साहब की इजाजत नाल बिजली पराली वगैरह मुद्दे जिहड़े ने वह विचारे जाणगे। पिछले दिन ही विधानसभा के स्पैशल सैशन नूं परमिशन दे के अगले दिन उन्हूं रद्द करन दी जिहड़ी घटना होई है मंदभागी है। इहदे विरुद्ध असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच जावांगे ताकि लोकां दे हक्कां दी राखी की जा सके, राज्यां दे अधिकारां दी राखी की जा सके, क्योंकि लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे ने। पर इस सारे घटनाक्रम चों एक बहुत हैरानीजनक गल सामने आई कि पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है वह बीजेपी दे नाल ऑपरेशन लोटस दे हक च खड़ी नज़र आई। कांग्रेस पार्टी, अकाली दल ते बीजेपी तीनों स्वागत कर रहे हैं कि सैशन रद्द हो गया। इतों की सिद्ध हुंदा? इतों यही सिद्ध हुंदा कल्ले पंजाब च नहीं, कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कि खुद पीड़ित है ऑपरेशन लोटस की, कई स्टेटां दे विच उन्हां दी सरकारां तोड़तियां बीजेपी ने,
कई स्टेटा उन्हां दे एमएलए जिहड़े ने वह शामिल हो रहे हैं बीजेपी च, तां इहदा मतलब यह हो गया कि दोनों पार्टियां रलिया हुई ने। इन्होंने सोचा होना कि खेतरी पार्टियां जिहड़ियां ने उभर रही ने उन्हां नूं खत्म कर दो, आपां दोवें रह जाएंगे तो राज करांगे, पर इस तरह नहीं होना। मैं लगता हिसाब किताब भी इन्हां दे सांझे ही होणगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों चों निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च यह एंटी करप्शन मूवमेंट चों निकली हुई पार्टी है। वो जिवें पंजाबी की कहावत है कि दरियावां नूं नक्के नहीं लगते, दरिया अपना रस्ता आप बनाउंदे ने। सो आम आदमी पार्टी जिहड़ी है हर रोज़ उहदे काफले च उहदे परिवार च वाधा हो रहा है, तो असी इस तरह दीआं जिहड़ीआं गैर लोकतांत्रिक जिहड़ीआं हरकतां ने उहनां तों डरन वाले नहीं हैगे। सो असी 27 तरीक दिन मंगलवार नूं पंजाब विधानसभा का सैशन बुलावांगे। पंजाब भाजपा वालों ऑपरेशन लोटस के मुद्दे से आप खिलाफ़ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा की अगुवाई में अज भाजपा आगुआ के वर्करा ने मुख्यमंत्री के रिहायश वल कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों विच रस्ते रोक लिया। इस दौरान भाजपा के कारकुना की पुलिस नाल धक्का मुक्की भी हो गई, जिस तो बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों रोकने लिए पानी की बौछार कर दी। बीजेपी आगू नेता सुनील झाखड़ को हिरासत में भी लिता गया। सुनील झाखड़ ने हेल्थ मिनिस्टर सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया विजय सिंगला जी ने। भगवंत मान जी ने आ कह के किया भी 5 लाख रुपये रिश्वत लेंदे पकड़े गए, मुख्यमंत्री भी ऑडियो वायरल है जी 2 लाख रुपये पंजाब दे माइनिंग मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विजिलेंस ब्यूरो नूं रेत दी नजायज माइनिंग विच साबका स्पीकर राणा केपी सिंह दी कथित शमूलियत दी जांच करन दे निर्देश दित्ते हन। हालांकि कांग्रेसी आगू ने इन्हां दोषां तों सिरे तों निकारिया ते दावा कीता कि आप आगू ने निजी दुश्मनी कारण उस दे खिलाफ जांच दा निर्देश दित्ता है। मंत्री ने इस मामले की जांच लई माइनिंग विभाग के सीनियर अधिकारियों की कमेटी गठित करने के हुक्म भी दिते हैं। इस मामले की जानकारी आम आदमी पार्टी के मुख्य बुलारे मलविंदर कंग ने दी। खुद सुनो मलविंदर सिंह ने की किया। 2021 एक चिट्ठी जी है वो CBI के राही पंजाब के चीफ सैकटरी आती है। मैं वर्डिंग दस देना, विद रेफरेंस टू ए लैटर ऑफ CBI टू चीफ सैक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेटेड 8/7/2021 8 July 2021 जदों कि कांग्रेस की सरकार सी, बेयरिंग नंबर सो एंड सो फॉर टेकिंग एक्शन इन विच CBI फॉरवर्डेड ए कंप्लेंट अलोंग विथ ओरिजिनल डाक्यूमेंट जेडे कि कहिंदे आ कि राणा KP जी इनवॉल्व है इलीगल माइनिंग दे विच। इस स्पष्ट इस लैटर च जिहड़ा कि CBI ने 2021 च कांग्रेस की सरकार दे समय पंजाब दे चीफ सैक्रेटरी साहब नूं जिहड़ा आ उह रैफर कीता और सारी जिहड़ी असलियत है उहदे बारे जांच पड़ताल दे जिहड़े आ निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर च बिजली विभाग के सहायक जई ते हमले के मामले च पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने IPC की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया है। दसिया जा रहा है कि मीटर लगाने तो बाद सहायक जई ते हमला किया गया, जिस च उसके सर ते सट लग गई। इस पूरे मामले ते सूबे के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुलाजमान नाल किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जख्मी मुलाजम नाल फोन ते गल भी की ते उसका हाल चाल भी पूछा। मेरे ध्यान दे विच आया कि साढ़े विभाग के सहायक JE सरदार करनैल सिंह जेडे कि उपमंडल दफ्तर ममदोट जिला फिरोजपुर च तैनात ने, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी दे दौरान वो पिंड दे विच किसी का मीटर लगाउण गए। मीटर लगाउण तो बाद जब वापस आ रहे थे तो कुछ 8-10 बंदिया ने उन्होंने उत्ते हमला कर दिता और उन्होंने गंभीर रूप दे विच जख्मी कर दिता। मैनू इस घटना के उत्ते दुख आ। मैं इत्थे कहना चाहुंदा कि किसी भी तरह की बदसलूकी जिहड़ी आ उह कर्मचारियों के नाल बर्दाश्त नहीं की जाऊगी। जेकर किसी भी आदमी नूं किसी भी बंदे नूं साडे कर्मचारियों नाल
जां अधिकारियों नाल किसी भी तरह की कोई शिकायत आ तो वो उच्च अधिकारियों कोल जां साडे तक पहुँच करके उहदी शिकायत कर सकते ने। ये जिहड़ा हमला होया सरदार करनैल सिंह जी ते इहदे नाल संबंधित थाना मबदौड़ दे विच आई पी सी की धारा 307 के तहत मुकदमा जिहड़ा आ उह दर्ज किया जा चुका है। मैं एस एस पी फिरोजपुर उन्हां नाल भी गल की आ कि जल्दी तो जल्दी जड़े ने दोषी जड़े आ उन्हां नूं गिरफ़्तार किया जाए। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति कानून नूं अपने हाथ दे विच ना लवे। वैसे भी बिजली चोरी करना एक अपराध आ, घोर अपराध आ। पंजाब सरकार ने, मान साहब की सरकार ने 1 जुलाई 2022 तो 600 यूनिट हर घर दे विच बिजली जिहड़ी आ उह फ्री दित्ती होई आ, पर इहदा मिसयूज़ किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। मैं इमानदार जिहड़े भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने, उन्हां दी प्रशंसा करदा आ और मैं उन्हां नूं यकीन दिवाउणा आ कि वह अपना काम इमानदारी ते मेहनत दे नाल करदे रहन। उन्हां नूं किसी भी तरह की कोई डरन की लोड़ नहीं, घबराउण की लोड़ नहीं। पंजाब सरकार महकमा उन्हां दे नाल खड़ा आ और मैं फिर दोबारा तो अपील करदा कि जेकर साडे अधिकारी जां कर्मचारी दे विरुद्ध कोई शिकायत आ ते उहदे बाबत कानून नूं हत्थ दे विच ना लिया जाए। जो भी वो संबंधित शिकायत आ वो उच्च अधिकारियों तक पुजता जी की जाए ज सू संबंधित जड़ा दसया जाए। धन्यवाद जी। शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब प्रत्येक शिक्षक को हर महीने 9,000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। इस नीति के मुताबिक 1 साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल सरकार की ओर से विभिन्न स्कूलों में 4700 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जानी है। सरकार का प्रयास है कि सरकारी स्कूलों में निजी स्तर की शिक्षा व्यवस्था और ढांचा सुदृढ़ किया जाए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी मंडी आएंगे, जिसे लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के एर्नाकुलम में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोगों को नफरत फैलाकर बांटा और तोड़ा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इस समय देश में नफरत, हिंसा और अहंकार खुलेआम दिख रहा है, जबकि इस देश की परंपरा अहिंसा और विनम्रता की है। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए एनआईए और ईडी ने देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों और टेरर फंडिंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम और संगठन का दिल्ली हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेड के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। Terrorism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communism, regardless of where it's coming from. खबरों में आज बस इतना ही। अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए टीवी 9 पंजाब हिमाचल के साथ और देखते रहिए इवनिंग न्यूज़। नमस्कार।